नमस्कार दोस्तों, रिया चक्रवर्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़ी गुनाहगार है और उसके बारे में जब भी कोई खबर आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जल्दी से जल्दी मैं आप सबको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती का जन्मदिन मनाया गया और वो जन्मदिन में काफ़ी लोगों ने विश किया और उसमें जो बिस किया था एक बंगाल की प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम है राणा सरकार। और राणा सरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर के एक फिल्म बनाने वाली हैं और वो बंगाली प्रोड्यूसर राणा सरकार इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती को काम देने वाली हैं। ये खबर बहुत ही आश्चर्यजनक है कि एक तरफ पूरी दुनिया उन्हें दोषी मानती है और दूसरी तरफ कुछ लोग उनके समर्थन में उसको काम देने की प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में बनी रहती है और रिया चक्रवर्ती को लेकर के रोज कोई ना कोई खबर इंडस्ट्रीज में आती रहती है। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और 12 तारीख को एक बड़ी सुनवाई भी होने वाली है। और आपको बता दूं कि शुरू के कुछ समय रिया परेशान रही, लेकिन उसके बाद से अब वो लगातार अपने आप को ऐसा प्रमोट कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू कि अब वो किसी भी दुख में नहीं है, किसी भी गम में नहीं है और उसे अपने कैरियर को लेकर के चिंता है। लेकिन इन सबके बीच ये जो खबर आई है राणा सरकार वाली कि रिया जल्दी ही बड़े पर्दे पर काम करने वाली है, ये बड़ा ही शॉकिंग न्यूज है। और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टॉलीवुड में वो डेब्यू करने वाली है। खबर यह है कि बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर राणा सरकार के साथ रिया चक्रवर्ती एक फिल्म करने वाली है और राणा सरकार ने अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती को जन्मदिन की बधाई दी। और जब बंगाली प्रोड्यूसर राणा सरकार का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वह रिया चक्रवर्ती को लेकर बात करते हुए नजर आ रही है और इसी इंटरव्यू से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जल्दी ही राणा सरकार के फिल्म में काम करती हुई नजर आएगी। हालांकि बंगाली प्रोड्यूसर राणा सरकार ने इस इंटरव्यू में कहा है कि हमने फिल्म की कहानी रिया चक्रवर्ती की टीम को बता दी है, बस अब अभिनेत्री की हाँ का इंतजार है और उनके हाँ से ये पक्का हो जाएगा रिया चक्रवर्ती टॉलीवुड में डेब्यू करेंगी या नहीं। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा ये शॉकिंग न्यूज होगा, रिया चक्रवर्ती को टॉलीवुड में काम मिल गया और रिया चक्रवर्ती टॉलीवुड में काम कर रही है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में चाहे ड्रग्स एंगल बोलें, चाहे ईडी का मामला बोलें, चाहे इस मामले में और भी इन्वॉल्वमेंट है, वो हर जगह रिया चक्रवर्ती का नाम है। और रिया चक्रवर्ती इस मामले में जेल में भी एक महीने के आसपास रह चुकी हैं और 12 जुलाई को एनसीबी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल किया जाएगा उसमें भी रिया चक्रवर्ती मुख्य गुनाहगार हैं। तो हमें इंतजार है दोनों का कि कब वो डेब्यू करती है और 12 जुलाई को आखिर होता क्या है। जय हिंद, जय भारत।